जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है आपका और बहुत आभार है। आप बहुत अच्छे होंगे मुझे यकीन है, और ईश्वर की आप पर कृपा होगी, आप मज़े से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धनवान या मालामाल या हमारे ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा कैसे बनी रहे। हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे टोटके किए, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन मुझे अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा। तो लक्ष्मी मैया की कृपा पर ये वीडियो बिल्कुल आधारित है, और ये जो वीडियो मैं आपके साथ कह रहा हूँ, ये वीडियो का जो कंटेंट है, ये जो बातें हैं, ये अभी तक आपने कहीं भी ना तो सुनी होगी, क्योंकि एकदम यूनिक है और ये केवल और केवल हमारे और आपके लिए उपलब्ध है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें तभी देखें, अन्यथा अगर आप बीच में चीज़ों को ले कर रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको सही फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। दूसरी बात है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और कमेंट्स में लिखे जय श्री महाकाल, क्योंकि बहुत कम आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे, तो लाइक भी करें आप। और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैं नंबर दे दूँगा, आप उस पर जुड़कर मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए या धनवान या मालामाल बनने के लिए जो जो चीज़ें हैं, जो जो आज तक शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, हम उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर दें। लक्ष्मी की कृपा जो है, लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक शुभ लक्ष्मी होती है, एक अशुभ लक्ष्मी होती है। शुभ लक्ष्मी के लिए लोग कम प्रयत्न करते हैं, लेकिन अशुभ लक्ष्मी के लिए लोग बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। अशुभ लक्ष्मी का सीधा सा अर्थ है जो अनैतिक तरीके से आया, किसी का दमन, किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से कमाया गया धन। यहाँ पर आपका मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि जो लोग गलत तरीके से कमाते हैं वो तो बहुत उन्नति और फल फूल रहे हैं, ये सही नहीं है दोस्तों। उन पर बहुत सारी चीज़ें, उन पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें, जो मैं रोज़ बात करता हूँ लोगों से और मुझे पता है, मैं ओपनली ये चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जिनके पास बहुत सा धन है उनके साथ नई नई समस्या है, जिसके बारे में मैं शायद आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इस बात को अपने दिमाग से हमेशा निकाल दें कि जो लोगों के पास बहुत सारा धन है या बहुत सारे चीज़ें हैं, उनके साथ अपनी निजी अलग समस्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण और पहली और मुख्य बात है कि अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो आपको विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि हर माँ लक्ष्मी की कृपा, जहाँ पर विष्णु जी की पूजा होती है, जहाँ विष्णु होंगे वहाँ लक्ष्मी मैया तो स्वतः ही होगी, इसलिए लक्ष्मी की कृपा के लिए विष्णु जी की पूजा करना अनिवार्य है। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करा दीजिए आप, क्योंकि विष्णु के अवतार राम हैं, कृष्ण हैं, सभी हैं, तो इनका भी अगर आप पूजन पाठ करते हैं तो भी वो सकारात्मक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये होती है कि आप लक्ष्मी माँ को जो जो चीज़ें पसंद है, उनको दरिद्रता बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दरिद्रता के लिए सिंपल सा है, घर में साफ सफाई, खुद का स्वच्छता के प्रति आप खुद को जागरूक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है कि आप अपने मन में कपट कोई सा ना रखें। आप देखिए, जिन व्यक्तियों के मन में कोई छल कपट नहीं होता है ना, स्वतः माँ लक्ष्मी उन पर कृपा होती है और ऑटोमेटिकली उनके पास आती है। और जो जितना बड़ा ईश्वर का भक्त होता है, जितना ईश्वर में श्रद्धा रखता है, उनके पास माँ लक्ष्मी की उतनी कृपा होती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और कोई नशा कभी जीवन में ना करे, अपना जो पास में धन है उसे कहीं अनैतिक रूप में मत लगाए, ये बहुत बड़ी बात है, इस पर काम करें, यही सच है और यही सच है। जय महाकाल, जय महाकाल।